हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज जो है मैं आप लोगों को लेसन 12 जिसका नाम माय फर्स्ट रूल इन माय लाइफ, मेरे जीवन का पहला अभिनय है, उसको जो है पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रीवियस क्लास में जो है मैंने जो है इस लेसन का जो है वर्ड मैंने बताया था, और इसमें हमने इस चैप्टर के माध्यम से जो है लेखक जो है वह जो है इस एक तरह का नाटक लिया हुआ है जिसमें वो श्रवण कुमार का रोल किया है। तो वो जो है उसका जो है पहला अभिनय कैसे रहा इसके बारे में वो इस चैप्टर के माध्यम से बता रहा है। तो मैं जो हूँ इस चैप्टर के माध्यम से जो है कवि का जो है पहला अभिनय कैसा रहा इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आई वॉज इन क्लास 4 व्हेन आई गेव माई फर्स्ट परफॉर्मेंस इन माई स्कूल। आई जो प्रयोग किया गया है ये जो है लेखक के लिए उपयोग किया गया है। लेखक जो है अपने लिए जो है आई का प्रयोग किया हुआ है, यानी मैं का प्रयोग किया हुआ है। आई वॉज इन क्लास 4, मैं जो है चौथे वर्ग में था व्हेन आई गेव माई फर्स्ट परफॉर्मेंस इन माई स्कूल, जब मैंने जो है अपने स्कूल में पहला नाटक खेला। द नेम ऑफ प्ले वाज श्रवण कुमार, इस नाटक का नाम था श्रवण कुमार। एंड आई प्लेइंग कैरेक्टर ऑफ श्रवण कुमार, और मैं जो हूँ जो नाटक में रोल लिया था भूमिका लिया था वो जो है श्रवण कुमार का रोल लिया हुआ था। द डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, और इसका जो डायरेक्टर निदेशक जो था वो 9वें क्लास का छात्र था। द स्पेक्टर्स डैट हु ओल्ड द वेयर इनफ टू इम्प्रेस विथ हिज कैबिलिटीज, उसने जो चश्मा पहन रखा था वह जो है मुझे उसकी क्षमता से क्या प्रभावित करने में पूर्ण था, यानी उसको जो है प्रभावित कर रहा था, उसको आकर्षित कर रहा था। एट हिज कमांड ऑल ऑफ अस एक्टिंग इन द प्ले हैड ब्राउट धोतीज साड़ीज ऑफ आवर मदर्स एंड साड़ीज इन ऑर्डर टू डेकोरेट स्टेज एंड गिव मी इफेक्ट ऑफ ए फ्लोइंग रिवर। उसके आदेश पर, यानी ये जो है निदेशक के जो है आदेश पर सपने जो है खेल में काम कर रहे थे अपने। अब देखिए उन लोगों को जो है स्टेज सजाने के लिए जो है कोई जो प्लेयर था कई उसमें जो नाटककार थे तो भी जो है अपने घर से धोती लाए थे, साड़ी लाए थे, अपनी माँ की जो है साड़ी और पिताजी के जो है वो धोती लाए हुए थे और बहन की जो है वो साड़ी लाए हुए थे, और उस पर जो है जो वहाँ का जो पर्दा पीछे का बैकग्राउंड बना हुआ था तो उसमें बहते हुए पानी का जो है इफेक्ट डालना था, यानी उसको जो है दिखाना था। ए पॉकेट फुल ऑफ वाटर केप्ट एट द प्लेस वेयर श्रवण कुमार वेंट फेंस वाटर फॉर हिज ओल्ड पेरेंट्स। अब देखिए पानी से भरे बाल्टी उस जगह रखी गई थी जहां श्रवण कुमार अपने बूढ़े अंधे माता पिता के लिए पानी लाने जिसे जाना था। वहां पे उन्होंने क्या हुआ एक बाल्टी में पानी रखा हुआ था। टू बॉयज प्लेड द रोल ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स श्रवण कुमार, दो बच्चे जो है श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का जो है भूमिका अदा कर रहे थे। दे हैव बीन इंस्ट्रक्ट टू कीप देयर आईज क्लोज्ड ऑल द टाइम सिट टुगेदर इन सेंटर ऑफ द स्टेज, और उनको ये निर्देश दिया गया था कि आपको जो है सभी समय जो है आंखें जो है बंद करके रखनी है और दोनों को एक साथ क्या हुआ बीच जो है मंच पे बैठना है फेसिंग योर ऑडियंस, और आपका जो फेस होना चाहिए वो जो है दर्शकों की ओर होना चाहिए। वंस ऑफ देम, उनमें से एक बोधराज प्लेइंग रोल ऑफ मदर, उसमें से एक बोधराज जो था वो जो है श्रवण कुमार के माँ का जो भूमिका निभा रहा था। हु इज मदर साड़ी, वो जो अपनी माँ की साड़ी बना हुआ था द आचर ऑफ विच स्लाइड डाउन मैनी टाइम, और उसका जो जब वो आचर जो सर पे रखा हुआ था वो बार बार जो है गिर जा रहा था। कर्टन रोज ऑन हियरिंग कमांड द ब्लाइंड पेरेंट्स, बेटा श्रवण कुमार वी आर ट्रस्टी आई टू के लोटा टच दियर फीट एंड वॉक टुवर्ड द रिवर किंग दशरथ इंटर द स्टेज फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन ही मूव अबाउट ट्विस्टेड हिज मस्टेज ऑन हियरिंग सम साउंड ही टुक आउट एरो फ्रॉम द क्वाइवर ऑन हिज बैक
and acclimate which animal polluted the river water. पर्दा उदा अंधे माता पिता के आदेश सुनकर बेटा जो शरण कुमार है हम लोग बहुत प्यासे हैं। उनके माता पिता जो है शरण कुमार से बोले कि हम लोग बहुत प्यासे हैं, मैंने जो है एक लोटा लिया, यानी जो लेखक है वो एक लोटा लिया और उनके पाँव छू के नदी की ओर चल दिया। राजा दशरथ जो थे वे पीछे के पर्दे से वे जो है प्रवेश किए और वे मुड़े और अपनी मूछ को मरोड़ा। वे जो है इसके मुड़े और अपने मूछ को जो है मरोड़ा। कुछ आवाज सुनकर उन्होंने अपने पीठ से तरकस से एक तीर निकाला और भावावेश में बोला, कौन जो है पशु नदी के पानी को गंदा कर रहा है। I saw the arrow going straight toward the roof. I felt flat on the stage, starting crying. मैंने तीर सीधे छत की ओर जाते देखा और मैं मंच पर गिर गया और चिल्लाने लगा। Oh cruel, what harm had I done to you? Why did you strike the arrow in my bosom? What wrong, after all, had I done to you? Wretched, you shot me while facing water. अरे निर्दय, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरी छाती पे तीर क्यों मारा? वह जो है जब स्वर्ण कुमार जो है जब तीर लगने के बाद से वो गिर जाता है तो वो चिल्लाने लगता है कि अरे निर्दय, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी छाती पे तुमने तीर क्यों मारा है? सब कुछ के बावजूद मेरी क्या गलती है? दुष्ट, तुम मुझे जब मारा मैं पानी ले रहा था, यानी इसका कहने का मतलब मैं तो पानी ले रहा था, फिर मुझको क्यों मारे हो? मेरी क्या गलती है? इसके बारे में वो क्या हुआ? वो जो है जोर जोर से वो चिल्लाने लगता है। द हाई पिच ऑफ माई वॉइस स्टनड द ऑडियंस इन द हॉल। आई केप्ट सिंगिंग इंटरप्टेड बट सॉन्ग वॉज लॉन्ग, इट सीम्ड देयर इज नो एंड। मीनवाइल द किंग दशरथ स्टूड लाइक ए स्टैच्यू विथ वन लेग फ्रंट ऑफ अनदर एट बैक। It was waiting for me, complete my son is bow facing me. If the shot another arrow is quiver, it would have correct his earlier mistake, but director had instructed him to shoot only one arrow while he had already done. मेरी आवाज की तेजी से कमरे में जो है दर्शकों जो है स्तंभ रह गया। मैं बिना बाधा के गाना जो है जारी रखा, किंतु गीत इतना लंबा था कि उसका अंत जो है मालूम नहीं पड़ता था। इसी बीच राजा दशरथ एक पैर आगे और दूसरा जो है पीछे मूर्ति की तरह स्थिर होके खड़ा हो गया। उनका जो धनुष था मेरी ओर था और वह मेरे गीत समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि वे अपने तर्क से दूसरा तीज जो है छोड़ते तो यह उनकी पहली भूल का सुधार कर दिया होता, किंतु निदेशक ने उन्हें केवल एक ही तीज छोड़ने के लिए कहा था और वे पहले ही छोड़ चुके थे, इसलिए जो है उन्होंने दूसरा तीर नहीं छोड़ा। आई हैड हार्डली स्टंग हाफ सॉन्ग व्हेन माय वॉइस वेंट हॉर्स। आई कुड सी द ऑडियंस लाफिंग। मैं मुश्किल से आधा ही गीत गाया होगा कि मेरी आवाज भड़ा गई। उसकी आवाज जो हो गया वह भड़बड़ा जाती है, यानी कर्कश हो जाती है। मैं दर्शकों को हंसते हुए देखा और मैंने जो देखा कि दर्शक क्या वह हंसते हुए मुझे देख रहे हैं। द प्राइड पेरेंट्स ऑफ सोन कुमार वी आर फाइंडिंग टू डिफिकल्ट टू कीप दियर आईज क्लोज। अब देखिए, सोन कुमार के अन्य माता पिता को जो है आंखें बंद करने में कठिनाई हो रही थी। समटाइम वन एंड समटाइम would be open their eyes। कभी कभी एक जो है अपनी आंखें खोल देते थे तो कभी कभी दूसरा भी जो है ये भी जो है अपना आंखें खोल दे रहे थे। On seeing the audience started and remarked, she has again opened his eye। और ये जो है ये सब देख के जो है दर्शक जो थे वे लोग क्या वो ठहाका मारने लगे और उन्होंने रिमार्क कहा कि she has opened, इन्होंने अपना फिर अपने आंखें खोल दिया। Suddenly the audience burst out laughing when he saw the pallu of sari falling down from Bodhraj, who was playing the role of Sarvan Kumar's blind mother.
अचानक दर्शकों की हंसी फूट गई जब उन्होंने देखा कि बोधराज जो श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का अनुभव अभिनय कर रहे थे उनके सिर के सारे उनके उसके जो है सिर से साड़ी का पल्लू गिर गया था। द सेवन हेड ऑफ बोधराज बिकेम विजिबल आफ्टर व्हाइल व्हेन ऑफ पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार वाज सीन ओपनिंग हिज आई समबडी इन ऑडियंस शाउटेड लुक लुक अगेन ही कैन सी। अब देखिए बोधराज का बरकटा सर दिखाई दे रहा था जब उसका आंचल गिर गया। बोधराज जो श्रवण कुमार के अंधे माँ का जो रोल लिया हुआ अनुभव कर रहा था उसका जो है आंचल गिर गया तो बोधराज का जो है बाल कटा हुआ सिर जो है वो दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद श्रवण कुमार के माता पिता में एक आंखें खोलता दिखा तो दर्शक फिर चिल्लाया देखो देखो वो देख सकता है। टाइम एंड अगेन लाफ्टर एरोज इन हॉल एंड नॉइज ऑफ क्लैपिंग कुड बी हियर्ड देन आई स्टॉप सिंगिंग एक्ट एज इफ डाइंग इन पेन द हॉल एलोपेड विथ क्लैपिंग। वन टीचर ऑफ माई क्लास हु वॉज पार्ट ऑफ द ऑडियंस टोल्ड माई ब्रदर बलराज लुक वॉट योर ब्रदर इज डूइंग। अब देखिए बार बार कमरे में हंसी जो है उठती रही और ताली की आवाज सुनाई पड़ती थी जब मैंने गाना छोड़ दिया और ऐसा अनुभव किया कि मानो कि दर्द से मर रहा था। कमरा तालियों से गूंज उठा था। मेरी कक्षा में एक शिक्षक जो वो भी जो थे वे दर्शकों के अंग थे यानी वे भी जो है दर्शक बन के देख रहे थे। मेरे भाई बलराज से बोला देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है। आफ्टर माई डेथ श्रवण कुमार ए फ्यू मोर डायलॉग हैड फ्लो द किंग दशरथ स्पीकिंग ओल्ड पेरेंट्स एंड ओल्ड पेरेंट्स क्रॉसिंग द किंग बट आई फॉरगेट एवरीथिंग एट वंस गॉट ऑफ द ऑडियंस ब्रस्ट इन टू पील ऑफ लाफ्टर समबडी टॉन्टेड कीप लाइंग। श्रवण कुमार के रूप में मेरे मरने के बाद कुछ और बातचीत होना था। राजा दशरथ जो है बूढ़े माता पिता से बोल रहे थे और बूढ़े माता पिता राजा को श्राप दे रहे थे किंतु मैं सब कुछ भूल गया तुरंत उठ गया। सब कुछ क्या हो ये लोग जो है अपना आगे का जो है कार्यक्रम कर रहे थे लेकिन श्रवण कुमार जो था वो सब कुछ भूल गया वो उठ गया। दर्शक हंसी से फूट पड़े। दर्शक जो है उनको हंसी आ गया कि जब ये मर गया तो ये उठा कैसे है। किसी ने ताना मारा पड़े रहो किसी ने कहा कि नहीं ये जो है जो आप नाटक कर रहे हैं तो ये क्या हुआ ये जो है सही नहीं हो रहा इसलिए उनको बोला कि पढ़ रहो जैसे लेटे हो वैसे ही लेटे रहो। बट आई गॉट कन्फ्यूज डैट आई डिड नॉट वाट डू आई अगेन ले डाउन दिस लेट क्लैपिंग विच डिड नॉट सीम द टू इन विस्टलिंग क्लैपिंग एंड लाफ्टर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ साउंड कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम टू कम। किंतु मैं इतना घबरा गया कि क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। ये जो है इतना ही जो है घबरा गया था कि इसको क्या करना है इसको कुछ पता ही नहीं था जो समझ ही नहीं सका मैं फिर लेट गया। इतने में ऐसी हंसी पैदा की जो रुकती ही नहीं मालूम पड़ती थी। सीटी ताली हंसी विभिन्न प्रकार की आवाजें बहुत देर तक आती रही। दिस इज माई फर्स्ट रोल इन लाइफ यह मेरे जीवन का पहला भूमिका या अभिनय था। तो इस चैप्टर के माध्यम से जो है हमने जो है आप लोगों को कुछ जो है लेसन जो है 11 जिसका नाम माय फर्स्ट रोल इन लाइफ जीवन का मेरा पहला अनुभव था इसके बारे में बताया। अगले वीडियो के माध्यम से जो है मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही डेट ऑल।